हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पाठ। सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र आसियान और यूरोपीय संघ, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, तो विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची जिसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति बची, तो सत्ता में वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र उभर कर सामने आए जिसका नाम है आसियान और यूरोपीय संघ। और इन्हें वैकल्पिक केंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि इनसे ऐसी उम्मीद की जा रही है, इनसे ऐसी उम्मीद की गई कि आने वाले समय में ये अपनी बहुत बड़ी व्यवस्था चलाएंगे, अपना बहुत बड़ा सिस्टम चलाएंगे, अपनी व्यवस्था को लागू करेंगे। आसियान और यूरोपीय संघ दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं तथा विवादों को सुलझाने में सफलता पाई है। और जो ये दोनों संगठन हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी समस्याएं, जो विवाद है, जो परेशानियां थी, उनको सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। मार्शल योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कभी एक नंबर का, कभी दो नंबर का, कभी निबंधात्मक प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, इससे यूरोप को बहुत हानि उठानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये दो हिस्सों में बट गया। पहला मतलब जो पूर्वी है वो यूएसएसआर और जो पश्चिमी है वो अमेरिका, यूएसए। लेकिन जो युद्ध का अखाड़ा बना और जो बीच में दीवार थी उसको क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार कहते हैं, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। लेकिन ये जो युद्ध हुआ, ये दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच में, लेकिन ये युद्ध का अखाड़ा क्या बन गया, यूरोप बन के रह गया। तो सबसे ज़्यादा हानि किसको हुई, यूरोप को हुई, और इसे बहुत हानियों का सामना करना पड़ा। और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जबरदस्त मदद की। और जो अमेरिका के खेमे में जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप है, उसको सुधारने के लिए अमेरिका ने बहुत आर्थिक मदद की और बहुत ज़्यादा जबरदस्त मदद की। और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो यूरोप की मदद की उसने, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की मदद करी, उसी को क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। यूरोपीय परिषद, इसकी हुई 1949 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी हुई 1957 में। और यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। अब बच्चों ये आते हैं आसियान, तो आसियान कब बना, 1967 में। और आसियान क्षेत्रीय मंच कब बना, 1994 में। बच्चों ये जो दोनों हैं इसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्वेश्चन आसियान का आता है तो हम आसियान क्षेत्रीय मंच का लिख आते हैं, और इसका आता है तो हम इसका लिख आते हैं। तो इन दोनों की स्थापनाएं अलग अलग समय पर हुई है, आसियान की 1967 में और आसियान क्षेत्रीय मंच की 1994 में। यूरोपीय संघ, अब हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है। इसे क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक हो गया, यानी कि पहले ये छोटा संगठन था, आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, और फिर बाद में क्या बन गया, राजनीतिक होता गया, यानी कि फिर ये बड़ी सरकार का रूप लेता चला गया, फिर ये मतलब अपना शासन चलाने लगा, मतलब अपने जो उसके जो राष्ट्र थे, जो देश थे, इसके उस पर अपना शासन चला गया, ये एक सरकार के रूप में उभर कर आया। अब यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, यह सरकार की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा और इसके पास अपना ध्वज, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, जैसे कि हमारे देश का कौन सा है, तिरंगा है, तो उसकी इसी की तरह इसके मतलब जो यूरोपीय संघ है उसके पास भी अपना झंडा बन गया, इसका भी झंडा हो गया, इसका गान यानी कि राष्ट्रगान बन गया, और इसके पास इसका स्थापना दिवस यानी किस दिन इसकी स्थापना हुआ वो दिवस भी था, और इसके पास इसकी मुद्रा भी है। तो इसके पास अपनी सारी अपनी जो झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुद्रा सभी के इसके अलग अलग नाम हो गए, या इसके जो भी थे उनका नाम अलग या
सभी में भी विख्यात होने लगा। संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, और यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन यूरोपीय संघ जो अपना संविधान बनाने में, अपना संविधान लागू करवाने में असफल रहा। संविधान बनाने का प्रयास इसने 2003 में किया। यूरोपीय संघ की विशेषता, और जो यूरोपीय संघ जो बना, जो क्षेत्रीय संगठन था, संगठन है उसका, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव, जो यूरोपीय संघ है उसके पास जबरदस्त यानी कि बहुत अच्छी आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव, उसके पास सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक ये जो थे वो बहुत अच्छी प्रकार के थे। उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, उसके राजनीतिक जो पहलू थे उस पर, उसकी तरफ से पहलू से देखा जाए तो वह भी बहुत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और जो यूरोपीय संघ है वह 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, और इसका सकल घरेलू उत्पाद क्या था, 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा, और इसकी मतलब इसने इतना अपना इतना ये इतनी इतनी विकसित होने लगी धीरे धीरे, इतनी अपने पहले अपना इसने इतना विकास किया कि धीरे धीरे क्या किया इसने, अमेरिकी डॉलर को भी इससे खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि यूरो से भी सारे अपने इसने इसको भी मतलब इससे व्यापार होने लगा यूरो से भी, तो ये अमेरिकी डॉलर के लिए धीरे धीरे खतरा बनती चली गई। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी, और विश्व व्यापार में इसने क्या किया कि अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली था, शक्तिशाली है, तो वो जिस प्रकार अपना व्यापार करता था या बिजनेस करता था उसमें इसकी भी क्या हो गई, अमेरिका से इसने ज़्यादा व्यापार किया और 3 गुनी इसकी हिस्सेदारी हो गई, यानी कि जितनी अमेरिका की थी उससे 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी हो गई, इसकी यूरोपीय संघ की। 2 सदस्य देशों को वीटो पावर मिली, और इसके जो सदस्य देश हैं, इसकी जो सदस्य देश है यानी कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश थे दो, उनको वीटो पावर भी मिली हुई है, फ्रांस और ब्रिटेन को। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, और इसके पास क्या है, यूरोपीय संघ के पास क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। प्रथम तो किसके पास है, अमेरिका के पास बहुत बड़ी सेना है और वो युद्ध लड़ने में भी बहुत सक्षम है, दूसरी वो बहुत बड़ी महाशक्ति है, और उसी के बराबर में दूसरी महाशक्ति कौन है, दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है। यूरोपीय संघ की कमियां बताओ, और यूरोपीय संघ में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, व्यापार भी वह अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा करता है, लेकिन क्या इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। सदस्य देशों को अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। अब देखो जैसे कि एक फैमिली होती है, एक फैमिली उसमें 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में तो झगड़ा तो उनमें भी हो जाता है कभी कभी, वो दोनों उन दोनों मतलब जैसे मम्मी और पापा के नहीं, पापा के अच्छे बीच अच्छा व्यवहार नहीं है, बच्चों के बीच व्यवहार नहीं है, उसी प्रकार क्या इसमें भी जो सदस्य देश है ना उसमें भी कई बार एक दूसरे की एक रक्षा नीति को लेकर या विदेश नीति को लेकर क्या हुआ, बहस होने लगी, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। इराक पर अमेरिकी हमले का, और क्या हुआ कि जैसे अमेरिका ने क्या करा, इराक पर हमला कर दिया, क्या किया अमेरिका ने, इराक पर हमला कर दिया, तो ब्रिटेन ने साथ दिया, और अमेरिका का साथ किसने दिया, ब्रिटेन ने तो साथ दिया, और जर्मनी और फ्रांस ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो मतलब एक ही सदस्य थे ये सब, किसके सदस्य देश थे, यूरोपीय संघ के सदस्य देश थे, लेकिन क्या किया ब्रिटेन ने तो अमेरिका को साथ दिया और जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया कि ये गलत कर रहे हैं, और ब्रिटेन ने क्या किया कि आप सही कर रहे हो, इराक पर युद्ध करना, आप इराक पर हमला करना आपका सही है। तो एक ही परिवार के सदस्य ने, यूरोपीय संघ के सदस्यों ने, देशों ने क्या किया, अलग अलग, इसने एक ने विरोध किया और एक ने साथ दिया। यूरो मुद्रा को लागू करने का विरोध, और कई देशों ने क्या हुआ, जैसे डेनमार्क वगैरह जो देश थे इसके यूरोपीय संघ के, उसने क्या यूरो मुद्रा को लागू करने का विरोध किया कि हम हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में यूरो मुद्रा है उसको लागू नहीं होने देंगे, उन्होंने उसका विरोध किया। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिट संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया, और इन्होंने क्या करा, यूरोपीय संघ की जो संधि है और जो यूरो है डॉलर, उसको अपनी अपने देश की मुद्रा मानने से मना कर दिया। आसियान 1967, आसियान बना 1967 में, पूरा नाम दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। पहले जब ये देश में जब ये बना, ये संघ बना, तो इसमें पांच देश शामिल हुए, और लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें और देश शामिल हो गए, कौन कौन से, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। पहले 5 देश थे और उसके बाद में क्या हुआ, 5 देश और शामिल हो गए।
आसियान के क्या उद्देश्य, यानी जब उसकी स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं। आर्थिक विकास तेज करना, कि आर्थिक विकास को तेजी कर आर्थिक विकास को तेज करना जिससे कि राष्ट्र में अर्थव्यवस्था की समृद्धि हो सके, उसका विकास हो सके, अच्छी प्रकार से देश की जनसंख्या को भी इसका लाभ प्राप्त हो और उसकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से बनी रहे। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, और आसियान के दूसरा उद्देश्य क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, कानून और शासन को सुधारना, और जो कानून की जो बुरी व्यवस्था है जो बुरी प्रकार से जो जनता को उसका शासन प्रभावित करता है उसको सुधारना, या उस पर जो गलत प्रभाव डालता है या गलत जो शासन है उसको सुधार लाना, उसकी शासन प्रणाली में सुधार लाना। संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली क्या है? आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे आसियान शैली कहा गया। जैसे कि क्या किया आसियान शैली ने, क्या किया अनौपचारिक, मतलब उसने किसी से अनौपचारिक टकराव रहित, यानी उसने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सबको सहयोगात्मक सहयोग किया सबको, तो मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी इस तरीके का व्यवहार करके उसने सभी देशों से अच्छी तरीके से व्यवहार किया, किसी से टकराव नहीं किया, युद्ध नहीं किया, सहयोगात्मक ऐसे सहयोग किया, और तो उससे क्या हुआ, उसे काफ़ी यश मिला। इसे आसियान शैली कहा गया। सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन, और ये क्या बना, ये सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं कि एक तो विकसित देश है, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत मतलब उसमें गरीबी नहीं है और सब कुछ अच्छी प्रकार से है, उसमें संसाधन है और तकनीकी है, जो नई नई तकनीकी आ रही है वो है उसमें। और एक बार हम क्या देखते हैं कि जैसे कई गरीब देश है लेकिन उसने क्या किया, 2-3 सालों में उसने अपने मतलब अपनी जो उसकी जो विकास करने की जो गति है उसको बढ़ाया है, तो वो क्या ऐसे यूरोपीय संघ से अच्छे प्रकार से विकास करने वाला देश है या संगठन है। आसियान के तीन स्तंभ, तो आसियान के तीन स्तंभ कौन कौन से हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ आर्थिक सुरक्षा समुदाय, यानी कि सुरक्षा से संबंधित या सैनिक समुदाय इस प्रकार के, तो इसमें क्या आता है, सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना, यानी कि सदस्य जो देश है इसमें जो इसके जो सदस्य देश है उनके विवाद जो है उनको सुलझाना, या उनमें उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े के जो मुद्दे हैं उनको उन विवादों को सुलझाना, अहस्तक्षेप को बढ़ाना, शांति सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि अहस्तक्षेप यानी बिना किसी फालतू झगड़े के युद्ध के क्या अपनी बातों को सुलझाना, और शांति सहयोग को बढ़ावा देना यानी शांति से बातचीत से सब चीज सभी झगड़ों को या मुद्दों को सुलझाना, या जिनमें है ना युद्ध की आवश्यकता ना हो उसके लिए युद्ध ना करना। दूसरा आता है आर्थिक समुदाय यानी कि इसका अर्थ है पैसे से रिलेटेड या धन से रिलेटेड, तो साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार बढ़ाना, साझा बाजार यानी कि बाजार को साझा करना, मुक्त व्यापार यानी कि ओपन डोर से मतलब व्यापार जो है ना वो उस पर ना कम कर लगाना या कम टैक्स लगाना या फिर मुक्त व्यापार करना, आर्थिक विवाद को सुलझाना, यानी कि किसी अगर जो दो किसी देश के बीच में आर्थिक विवाद है या पैसों से रिलेटेड या धन से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उसको बातचीत से सुलझाना, उसके लिए युद्ध न करना। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसका सिंपल सा अर्थ है कि है ना सामाजिक सांस्कृतिक विकास के मुद्दों को बढ़ावा देना।